आज दिन में गए लोग, सुबह में 6 बजे गए लोग, 12:30-1 बजे कुछ हुआ, 2:30 बजे मालूम आपने गए। बच्चा बड़ा है, बच्चा तो छोटे, एक भाई बच्ची है, तीन बेटे, इन्हें घर का बड़ा बोल दिया, आपको नजीक के ऑफिस के पास अंदर मोल साहब भी अमरपेट की थे, आपकी तरफ से दो बेटे, छोटा बेटा पानी की मौत आई ना फजर, फजर इनको इनको बेटा नहीं मिला, इनको सबर करो माँ, सबर करो, फोटो
अल्लाह सबर दे। उनसे बड़े मुफाक थे, उनके मशीन से उनके जाना हुआ, उनके घर का कुछ फंक्शन रहे थे, तो पाँच बजे कहीं हो गए कि पता नहीं बना दो घर के फंक्शन में। हाँ, घर के फंक्शन में बैठे पढ़ाने पढ़ने के लिए जैसा फ़ौरन क्या हुआ कह रहा था उन्होंने फंसे रहता उन्होंने घर पर बचा लिया दो तीन हाँ तो उन्होंने अंदर फंसे पकड़ लेते हो जी जो लोग लुटते ना अपन उनको बचाने के तो अपने को लुटा देते हो। मैं एक बहुत ही नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसके अंदर जो है पांच मासूम बच्चों की जान चले गई और एक मदरसे के मौलवी साहब भी शहीद हो गए। यह एक्चुअल वाकया ये हुआ कि अंबरपेट के एक दीनी मदारिस के तमाम तकरीबन 50-60 कुछ बच्चे थे किसी एक कहीं कुरान खानी के सिलसिले में जवाहर नगर एरिया में गए हुए थे और नमाज जोहर के बाद में ये बच्चे बगैर बोले किसी से वो वहाँ पर एक तालाब था, तालाब में गए वो लोग और बच्चों को बचाने जाके हमारे मोहम्मद याहिया फहाद मौली साहब भी वो भी शहीद हो गए और मासूम पांच बच्चे भी पूरे शहीद हो गए। तो ये बड़ा ही नाखुशगवार वाकया है और अफसोस है, पूरे अंबरपेट में गम की लहर है। तो पहले तो इस वाकया कहाँ पर हुआ, आइंदा ऐसा वाकया नहीं पेश आना, उस तालाब की हदबंदी करना चाहिए सरकार को। दूसरी चीज़ मैं ये देखा कि जितने भी बच्चे हैं बहुत ही गरीब खानदान से है लोग, एक की वालिदा जो है घरों में बर्तन धोने वाले है, ये कोहरे का है, तो ये जितने भी ये गरीब घरों के बच्चे हैं हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट से हुकूमत से कि इन तमाम बच्चों को कंपनसेशन देना चाहिए। और यहाँ के मुकामी MLA हमारे क्या नाम है उनका कालेरु वेंकटेश से भी मेरा मुतालबा है कि वो आए थे स्पॉट पे, उनकी काविशों की वजह से जल्दी बॉडीज मिली, जल्दी पोस्टमार्टम करा के बॉडी दिलाए वो, तो चीफ मिनिस्टर से बात करके क्योंकि वो खुद TRS के MLA हैं तो गवर्नमेंट से कंपनसेशन भी दिलाइए इन तमाम लोगों को, ताकि इन हम जान तो वापस नहीं दे सकते इन लोगों की, लेकिन कम से कम कंपनसेशन मिलने से इन गरीबों का कुछ कुछ तो कुछ इनका गम में हम शरीक बन सकते हैं।